हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में, जेनेसिस वर्जन के। और लास्ट एपिसोड में हम गए थे जेनेसिस वाले में वॉल्केनिक बायोम देखने, और आज हम जाने वाले हैं लूनर बायोम, जो कि वेरी हार्ड में आता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेलीपोर्टेशंस विथ हेलेना। ओके, बायोम टेलीपोर्टेशंस। तो हम वॉल्केनिक वेरी हार्ड पे होकर आ गए। बॉग में हम हैं, ओशियन हार्ड है, आर्कटिक मीडियम है, और लूनर जो है ये भी वेरी हार्ड है। लेट्स गो साउथ, नॉर्थ जाते हैं। यस, तो हर रीजन का, हर बायोम का अलग कलर रहता है टेलीपोर्टेशन के लिए के वक्त। जैसे वॉल्केनिक का लाल था, अब लूनर का गोल्डन है, गोल्डन प्लस। ओके, सो दिस इज द लूनर बायोम एंड इज चिली। अभी लोड होने दो टेक्सचर्स। और जब तक ये लोड हो रहा है, मैं देखता हूँ कि मैप में हम कहाँ हैं। जहाँ मैंने कहा था टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ओके, सो दिस इज लूनर बायोम। और यहाँ पर आपको शायद क्या मिलेगा वो हम चेकआउट करते हैं। व्हाट, होली शिट, द रेडिएशन इज क्रॉचिंग यू, गेट इन द शेडोज। शिट, बाप रे, इसमें तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ये कौन सा, ये क्या है भाई, ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। दिस इज अ टेक मॉन्स्टर। यहाँ पर तो ग्रेविटी बहुत कम है, जीरो ग्रेविटी। नाइस, वी कैन, दिस इज स्पाइक्स राइट। इस पर ये कौन सा डायनो है, ये शायद मुझे, मैंने देखा है कहीं पर कि ये सिर्फ लूनर में ही ऐड हुआ है। हेलो, हु आर यू, क्या नाम है इसका, इसका नाम नहीं दिखा रहा मुझे अभी। ओके, तो ये रैप्टर्स देखो उछल रहे हैं यहाँ पर। हे, यू कैंट गेट मी ड्यूड, टैक रैप्टर्स, मतलब कि लूनर पे सब आपको टैक ही मिलेगा। और भरा रेक्स, वाह, ये ऊपर क्या कर रहा है। हेलो रेक्स, तुम्हारे जैसा एक हमारे घर पे भी रखा हुआ है हमने। ओके, हम तुमसे नहीं डरते। और जब आप इसमें जाते हो, क्या कहते हैं, सनलाइट में जाते हो, वो देखो, इज दैट सन, तो आपको रेडिएशन मिलता है, रेडिएशन डैमेज मिलता है आपको सन से। तो इसके लिए शायद आपके वो, आपको कुछ नया आर्मर बनाना पड़े सन से बचने के लिए। ए नो, यू कैन जंप ओवर हियर। ओके, और वहाँ पर एक स्टैगो घूम रहा है, मतलब कि पूरा ये जो है, तो ये कहाँ पर है वैसे, ये कहाँ पर है, मतलब कि स्काई में है कि पोर्टल के थ्रू ऊपर दिखता है, क्या है, क्या इसकी स्टोरी क्या है, जो भी है इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। तो यहाँ पर टेक डायनोस हैं सबके सब, सारे ही टेक डायनोस। व्हाट्स दैट, वहाँ पर कुछ तो है। ओह नो 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 नो, जस्ट किडिंग, शिट ड्यूड। मुझे शूट कर रहा है ये पीछे से, तो कितनी दूर हम जा सकते हैं वो देखना है मुझको। और यहाँ नीचे फॉल होने से शायद यू एक्सपीरियंस डेथ। नो 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 नो, रुको, इस तरफ चलो। बाप रे, इसके तो लेवल से नीचे नीचे तक। देखो छोटे छोटे आइलैंड से पूरी तरफ। नाइस,
तो अभी इसमें फ्लाइंग डिसेबल्ड है क्योंकि एक भी अभी तक मैंने नहीं देखा है फ्लाइंग डायनोस किसी भी बायोम में कि देखा है नहीं। आर्जिन ट्रैविस देखा है मैंने आर्कटिक में, बट यू कैंट फ्लाई। और वहाँ पर मुझे एक फ्लायर दिख रहा है, ये मिशन एरिया होगा ज़रूर। देखो सबके सब यहाँ पर उछल रहे हैं बस इधर से उधर। तो इसको ये जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है हम पे, उससे बचने के लिए आपको शायद कुछ स्पेशल आर्मर बनाना पड़े। ये रहा देखो फ्लायर दिखा, वो रहे नीचे। अच्छा ये टेरेडॉन्स है, मैंने यहाँ पर रेक्स सीरेक्स घूम रहे हैं। वो टेरेडॉन्स है कि क्या है? नहीं टेरेडॉन्स नहीं है। वाओ मैंने ट्राइसराटॉप्स का फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, ये वाला वर्जन टेक वर्जन, क्योंकि आइलैंड में नहीं है। नो 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 ओह शूट्स, आई एम गोइंग टू डाई नाउ। पर क्या लग रहा है, मैजेस्टिक एकदम। अच्छा अगर हम ऐसे नीचे गिरते हैं तो हमारे इन्वेंटरी में जो सामान है वो कहाँ पर जाता होगा? हे अच्छा हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं ऊपर, ओके दैट्स कूल। अगर नीचे गिरते हैं तो ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है, दैट्स नाइस। वापस गया मैं नीचे, वाओ उधर जाने का। ये डायनोस साले कूदते नहीं है कि नीचे? देखो रुक गया वहाँ पर वो। तो ये शायद दूसरे जितने जो भी मुझे इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं ये शायद दूसरे उसमें हो सकता है, ये जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है अभी तक। इधर किसकी फाइट चल रही है? इधर एक स्टेगो और रेक्स है, एक रेक्स और स्टेगो लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखो ये रहा है वो ट्राइसराटॉप्स, भागो। तो मैं अभी तो आइलैंड पे हूँ और ये वाला जो बायोम है ये मेरी सोच से परे है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है मैं जो कुछ भी इसका वो नहीं है, कहाँ से आई ये इसकी स्टोरी मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो शायद ये एब्रिएशन मैं शायद ये सब आए हूँ टेक चीज़ें, टेक डायनोस, टेक एवरीथिंग। मार दिया इसने वापस। तो इसका एरिया तो काफ़ी बड़ा है लूनर वाले बायोम का, दूर दूर तक फैला हुआ है। वो देखो वहाँ से पूरे छोटे छोटे ये आइलैंड्स हैं। ओके तो जो भी डायनोस हैं वो गलती से नीचे गिर जाते हैं तो वापस टेलीपोर्ट होके यहीं पर आ जाते हैं इसी जगह पर, और हम स्प्रिंट कर सकते हैं तेज़ी से। तेज़ी से क्या, इनसे बचने के लिए ऊपर हम जा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जेनेसिस की ना खेलूँ जेनेसिस। हम एक काम करेंगे, हम आइलैंड खेल रहे हैं अभी सिंगल प्लेयर पे, इसके बाद रैग्नारॉक है ना, तो रैग्नारॉक का सर्वर बनाएंगे, ठीक है? रैग्नारॉक हम सर्वर पे ख़त्म करेंगे, फिर अगर हुआ तो फिर नेक्स्ट वाला भी हम सर्वर पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो वो सही रहेगा, ऐसे खेलने में फिर मज़ा नहीं आएगा कि कुछ स्टोरी पता नहीं है, हम रैंडमली बस खेले रहे जेनेसिस। अभी मैं तो ये शायद लास्ट बायोम है, शायद नहीं है, दिस इज़ द लास्ट बायोम। तो वो रहा देखो ओबेलिस्क उस साइड है, तो इस पे भी मिशंस होंगे और शायद फ्यूचरिस्टिक वेपन्स मिले, क्योंकि अभी तक तो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स कोई बने नहीं है ना मैंने देखे हैं, जिसमें फ्लायर ब्लास्टर्स आप ऐड कर सकते हो। ये देखो रैप्टर्स दोनों ये नीचे गए थे उड़कर, तो ये वापस यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए और ये सबके सब मेरे पीछे घूम रहे हैं अब। वो देखो वो गिर रहा है ऊपर से, क्रैक्स जो है वो कूदा था।
मैं भी जाता हूँ रेक्स को पकड़ने। अब ये और मैं एक ही जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं क्या? देखें, मतलब मरते नहीं है, टेलीपोर्ट हो जाते हैं सीधे। यस, मेरे जस्ट पीछे टेलीपोर्ट हुआ हूँ। अभी मेरे पीछे कूदेंगे? यप, नहीं कूद रहे साले, बहुत होशियार है। शूट्स, ये भी मेरे पीछे गिरा था। ओके, तो दिस इज द लूनर बायोम और यहाँ की स्टोरी हमको पता नहीं है, और इसको पता करने के लिए हमें बाकी के जितने भी एक्सपांशंस हैं वो खेलने पड़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर चल क्या रहा है। रुको, इसमें लेवल अप मेरा हुआ है कि नहीं? मैं अभी तक तो नहीं हुआ। नो, ये तो डोडियो क्रस जैसे दे रोल करते हैं ये टेक वाले बंदे। ये ड्रैगन है क्या? रुको रुको, व्हाट द हेक डूड, यू आर बुलिंग मी। ओके, सब मिलके मुझे बुली कर रहे हैं। वो देखो, वो रहा उड़ने वाला। तो इस पे रिसोर्स कहाँ से लेंगे हम? रिसोर्स गैदरिंग का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। क्या गिरा ऊपर? म्यूटियर शावर हो रहा है, दैट्स कूल। इनको कलेक्ट करा जा सकता है क्या? इसमें कुछ कलेक्ट कर सकते हैं हम? स्टोन्स तो हैं यहाँ पर, ये क्रिस्टल्स है क्या? ओह, व्हाट, हम हमारे हाथ से ई दबा के क्रिस्टल्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल फाइबर, अच्छा ये फाइबर और क्रिस्टल दोनों साथ में, ये देखो, दैट्स नाइस। हेलो, ये चीज पता चली हमें। गो डाउन 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 डाउन, गया वो गया, टडा। अच्छा, इसको ई दबा के ही कलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज नाइस। मतलब आप फाइबर्स कलेक्ट करते हो, उसके साथ साथ में आपको क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल डायनोस स्पॉन ही होते नहीं है, सिर्फ टैक्स टैक बाय। और ये जो है, ये वाला रिसोर्स अगर हम गैदर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें से। ये दिख रहे हैं आपको स्टोन्स? ये, ए लीव मी अलोन यू डूफस, आई एम स्टक। ये वाले जो दिख रहे हैं ये कलेक्ट कर सकते हैं इसमें से शायद मेटल, या फिर कोई दूसरा नया एलिमेंट जो इन्होंने ऐड करा हो वो मिलता हो। ट्राइसेराटॉप्स फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बाकी तो मैंने सब देखे हैं। हाँ, ये रहा वो ड्रैगन वाला बच्चा, क्या ये सीकर? तो सीकर भी नया है, सीकर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये तो गया रे, तुम तीनों तो गए रे। नाइस।
नाइस। ओके, तो हमारे पीछे देखो बैटल चल रही है एक रेक्स और एक बूस्टेड ट्रायसेराटॉप्स के बीच में। फाइट कर रहे हैं दोनों की दोनों। होली क्रैक। ओके एवरीवन, सो दिस इज द लूनर बायोम। ए नो, सो दिस इज द लूनर बायोम जो कि लास्ट बायोम है और वेरी हार्ड लेवल पे है ये। तो आप जैसे पूछ रहे थे कि जेनेसिस की सीरीज बनाओगे क्या, नहीं जेनेसिस की सीरीज़ मैं नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि वो सबके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगा गेम। ठीक है, तो एई लेट मी आउट रो माई वर्ड। ओके, यू जस्ट चिल द एफ आउट बॉय। ओके ओके एवरीवन, सो दिस इज लूनर बायोम। ओके, तो क्योंकि हम बिना स्टोरी के बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के अगर खेलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी हम नहीं करने वाले। हम आइलैंड ख़त्म ही होने वाला है हमारा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे रैग्नारोक सर्वर पे। ठीक है, फिर हम दूसरे खेलते खेलते कितने चार है ना, रैग्नारोक देन एक्सटिंक्शन देन एवरिएशन देन दिस। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू अस। मैं देखता हूँ इसमें अगर हमें कोई सा डायनो का रिव्यू करना पड़ेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर दिखाने, कोई अगर नया डायनो जेनेसिस में आया है तो उसको रिव्यू करने के लिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी स्ट्रीम्स देखनी तो आप उसको ट्विच पे जाके या रिव्यू पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। hey, शट अप, उस पे जाके फॉलो कर सकते हो ताकि आप मेरी स्ट्रीम देख सको, साइड ग्राइंड जो रहती है मेरी रिसोर्स गैदरिंग की, डायनो टीमिंग की। ओके, मैं उस पर रेगुलरली स्ट्रीम करता हूँ। ओके, तो सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लेट्स फ्लाई। ओप्स।